शरीफ नमाया सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश डर लगा। आज तो कौन आज फ्रेंड हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। This headline news is brought to you by Laser Light Treatment Jaisa Nikhar Fair Lovely Advanced Multivitamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik। आज से होगा मनासिक के हज का आगाज, दुनिया भर से अल्लाह के मेहमान मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। आज़मीन हज आज मीना पहुंचकर खैमों का शहर आबाद करेंगे। कल सुबह तक 5 नमाजें अदा करेंगे। रुकने आज़म जुमेरात को अदा किया जाएगा। 9 ज़िलहज को नमाज फजर के बाद गिलाफ काबा तब्दील किया जाएगा। अल्लाह के मेहमानों के साथ पाकिस्तानी हुकूमत का खिलवाड़, मेडिकल के नाकिस इंतजाम। वजीर मजहबी अमूर मक्का में मेडिकल कैंप पहुंचे तो नारेबाजी शुरू हो गई। कराची सुपर हाईवे मवेशी मंडी के करीब फायरिंग, एक शख्स जां बहक। अजीज भट्टी टाउन में पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। रेंजर्स ने भी 6 मुलजिम पकड़ लिए। ईद में रोज रह गए 2 और व्यापारियों का दामों पर जोर, ग्राहकों को कीमतें कम होने का इंतजार। कराची वाले बारिश में बकरे खरीदेंगे। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर, जिसने कराची के दादी हाउस के जानवर नहीं देखे समझो उसने कुछ नहीं देखा। कर भेज दे हमें, हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को। लाहौर में वार्डन्स की ईदी मुहिम, खातून से 500 रुपए डकार लिए। कराची में नाका लगाकर जेब भरने की फुटेज सामने आ गई। सियालकोट में ईदी ना देने पर थप्पड़ पड़ गया। बरसा, कराची बिजली को तरसा। बारिश से कई इलाके भीग गए, सड़कों पर पानी जमा हुआ तो गाड़ियों को ब्रेक लग गई। आज मजीद पानी बरसेगा। लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहब और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। आज से मुल्क भर में बादल बरसेंगे। ईद भी भीगी भीगी होगी। कराची में बारिशों का बायस बनने वाले सिलसिले ने मुंबई में भी तबाही मचा दी। आवाम घरों में महसूर, तालीमी इदारे और दफातर बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख।
सड़कें गलियां घर सब बने तालाब, दफ्तर स्कूल एयरपोर्ट्स बंद, टेक्सास में समंदरी तूफान से तबाही, हलाकतें 14 तक जा पहुंची, ट्रंप का मुतासर इलाकों का दौरा। जरदारी हमेशा अपनी बारी पर ही आता है, अदालतों से नहीं डरते, जंग हमेशा जमहूरियत के लिए होती है। साबिक सदर की न्यूज कॉन्फ्रेंस आज कमालिया जाएंगे। बड़े केस का फैसला जुमेरात को मुतवक्के, बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में सऊद अजीज, खुर्रम शहजाद समेत 6 मुलजमों के वकला के दलाइल मुकम्मल, एतजाज शाह के वकला आज दलाइल देंगे। नाहली के बाद नवाज शरीफ का पहला बैरूनी सफर, साबिक वजीर आजम आज लंदन जाएंगे, ईद बरतानिया में अहलिया और बच्चों के साथ गुजारेंगे। नवाज शरीफ 4 साल खामोश रहे, अब बोल उठे तो तकलीफ क्यों, 17 सितंबर को मोहरों की सियासत दफन हो जाएगी, मरियम नवाज का लाहौर में जोशीला खिताब। तहरीक इंसाफ का एन ए 120 में ज़ाब्ता अख़लाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का फैसला, डॉक्टर यास्मीन राशिद आज रिटर्निंग अफसर से मुलाकात करेंगे। मुल्तान मेट्रो मंसूबे में 2.25 अरब की रिश्वत, चीनी हुकूमत ने अपनी कंपनी का भांडा फोड़ दिया, लेकिन रिपोर्ट SECP ने दबाए रखी। मेरे दौरे हुकूमत में कभी करप्शन नहीं हुई, साबित हो गया तो सियासत छोड़ दूंगा, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का मेट्रो करप्शन के सवाल पर 2 जुमलों में जवाब। शहबाज शरीफ आप कब तक नाम नहीं आया, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि हम नैब के अंदर आपका केस लेके जाएंगे और चेयरमैन नैब तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे पास एक केस लेके आएंगे। कप्तान पुरानी हरकतों पर उतर आए, चेयरमैन नैब और शहबाज शरीफ समेत कई शख्सियात को कह दिया तैयार हो जाओ आ रहा हूं, एन ए 120 के इलेक्शन को फैसला कुन करार दे दिया। नवाज फैमिली के खिलाफ तहकीकात में तेजी, GIT सरबराह वाजिद जिया ने नैब रावलपिंडी को बयान दे दिया, GIT तहकीकात की तस्दीक कल नैब लाहौर में पेश होंगे। ईद से पहले डॉक्टर आसिम की ईद, इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत, नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म, 60 लाख के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। फारूक सत्तार कहते हैं दीवार से लगाया नहीं गया, चुनवा दिया गया, पाक सरजमीन पार्टी का भी तस्लीम करने से इनकार, मुजाहिरों का ऐलान।